स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वेदिका ठाकुर नामक युवती की हत्या करने वाले भाजपा नेता प्रियांशु विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस जबलपुर संभाग के IG, DIG और SP को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकरण में FIR नहीं लिखने वाले दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही और मेट्रो हॉस्पिटल जहां पर मृतिका ठाकुर को भर्ती किया गया था उस पर भी कार्यवाही की निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस हॉस्पिटल में युवती को भर्ती किया गया था उस हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी थी कि उसे भी पुलिस को इस घटना की सूचना देनी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि जनवरी माह में भाजपा नेता प्रियांशु विश्वकर्मा ने अपने ऑफिस में आई मृतिका वेदिका ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी प्रियांशु विश्वकर्मा 19 जून 2023 से जेल में बंद है और अपनी रिहाई के लिए जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगा रखी है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट द्वारा अभियुक्त प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत जिसपे वेदिका ठाकुर नामक महिला की हत्या के आरोप लगे हैं उनकी जमानत सुनवाई करने के उपरांत खारिज कर दी गई। बहस के दौरान बहुत सी बातें आईं बट मेजर जो बातें थीं उसमें उनके दफ्तर में वेदिका ठाकुर को गोली लगी। उसके बाद कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि वेदिका ठाकुर का इलाज तुरंत नहीं कराया गया, उसको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, मामले को दबाने की कोशिश की और 24 घंटे बाद FIR लिखी गई। उसके घर के लोग कोशिश करते रहे कि FIR हो बट ड्यू टू वेरियस प्रेशर्स FIR नहीं हुई, मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। अंत में हाईकोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखने के बाद में जमानत रिजेक्ट की। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने आदेश किया कि पुलिस के अधिकारी जिन्होंने FIR नहीं लिखी उन अधिकारीगण के खिलाफ कार्रवाई करें और उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाए जहाँ पर इस वेदिका ठाकुर को रखा गया। पुलिस को खबर नहीं दी, अगर समय पे खबर दे दी जाती तो हो सकता है कि वेदिका ठाकुर की जान बच जाती। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उच्च न्यायालय ने आज जमानत खारिज की। किन धाराओं के तहत मामला है? 302 304 के तहत मामला था जिसको उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद खारिज किया। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।